हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं CDS का जो एग्ज़ाम हुआ था 14 नवंबर को, उसी के इंग्लिश के क्वेश्चंस का डिस्कशन करना है। मगर मैं सारे टेस्ट पेपर, सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन इस वीडियो में नहीं करूंगी। इस वीडियो में मैं कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस ले रही हूं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की रही बात, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इस बार डिफ़िकल्ट आया था। डिफ़िकल्ट भी था और कन्फ्यूजिंग भी था, क्योंकि अगर आप देखोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारे ऑप्शंस में इंटेंसिफाई करके दे दिया गया था, तो वो सेक्शन जो था ना डिफिकल्ट था। और कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस है, इजी है, जो आपका स्पॉटिंग एरर है वो भी इजी था, फाइन। तो एज सच ये अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को हटा दें और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को हटा दें तो ये पेपर थोड़ा इजी था। मगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देखें, तो ये वाला सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट था और कंफ्यूजिंग था, स्पेशली पार्ट्स ऑफ स्पीच। एनीवेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो मैं कल अपलोड करूंगी, आज मैं कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस का वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अब कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस आप लोग तभी कर पाएंगे जब आपको ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग एकदम होलिस्टिक वे में होगी। आप ये नहीं सोचो कि कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस के लिए हमें सिर्फ कंजंक्शन की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, नहीं। ग्रामर पूरा का पूरा कंप्लीट नॉलेज अगर होगा तभी आप ये कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस बहुत कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे गेस्टवर्क तो कोई भी कर सकता है, राइट? अब देखिए, आई आस्क टू पीपल द वे टू द स्टेशन। अब इसमें आप देख रहे हैं कंजंक्शन लगा है, बट हाउएवर येट नेवरदलेस, सब में अलग अलग कंजंक्शन लगा है। लगा तो अलग अलग है, मगर आप लोग को पता होना चाहिए ये सारे कंजंक्शन अलग होने के बावजूद भी एक ही कैटेगरीज के बिलोंग करते हैं, और वो है कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन। सभी के सभी कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन है, और सभी का मतलब होता है किंतु, बट का भी मतलब हाउएवर येट नेवरदलेस, किंतु, परंतु, फिर भी, यद्यपि, ये सारे मतलब होते हैं। तो अगर कंजंक्शन के बेसिस पे अगर मैं सही ऑप्शन ढूंढूं तो मैं नहीं ढूंढ पाऊंगी। कंजंक्शन के बेसिस पे अगर मुझे कोई गलत ऑप्शन एलिमिनेट करना तो वो भी मैं नहीं कर पाऊंगी कि सारे कंजंक्शन सही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नीदर, नन, दे और दे। अब आप देखिए प्रोनाउन डिफर कर रहा है, राइट? ये सबसे बड़ा हमारे पास एक तरीके से एक क्लू है जिसकी वजह से हम ऑप्शंस को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं यदि आपको ग्रामर का रूल पता है। यहाँ पर लिखा है टू पीपल, तो टू पीपल के लिए यहाँ पे दे लगाया है और यहाँ पर भी दे लगाया है, जो कि सही है, लगा सकते हैं, राइट? मगर क्या नीदर ऑफ देम या नन ऑफ देम लगा सकते हैं? तो मैं आपको बताऊं, नन ऑफ देम बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि नन ऑफ देम दो से ज्यादा लोगों को रेफर करता है। नन दो से ज्यादा लोगों को रेफर करता है, नन कभी भी दो या एक को रेफर नहीं करता है, तो इसलिए नन नहीं होगा। ये दे तो सही है क्योंकि दो लोगों को हम दे करके भी एड्रेस कर सकते हैं, तो ये सही है। मगर अब हम आगे देखते हैं, हैड डाउट अबाउट द स्टेशन। आई आस्क टू पीपल द वे टू द स्टेशन, येट दे हैड डाउट अबाउट द स्टेशन। हमने पूछा, अब देखो कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस में एक तो ग्रामर का रूल्स तो मैटर करता ही है, मगर एक बार मीनिंग को भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? मीनिंग सही बैठ रही है कि नहीं। आई आस्क टू पीपल द वे टू द स्टेशन, दे हैड डाउट्स अबाउट द स्टेशन, तो अजीब बात नहीं लग रहा है, दे हैड डाउट अबाउट द स्टेशन, उनको स्टेशन पर डाउट था या स्टेशन के जाने के रास्ता के लिए डाउट था? स्टेशन पर डाउट नहीं था, स्टेशन के जो रास्ता है ना उस पर डाउट था, तो इसीलिए मीनिंग के हिसाब से देखे तो ये सही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आई आस्क टू पीपल द वे टू द स्टेशन, नेवरदलेस दे कुंट गाइड मी, ये सही हो सकता है, वो लोगों ने हमें गाइड नहीं किया, ठीक है? अब आपके पास डी ऑप्शन बचता है और ए ऑप्शन बचता है। अब दोनों आपका, मैं सच बताऊं तो सही है, नेवरदलेस दे कुंट गाइड मी, फिर भी, नेवरदलेस का मतलब फिर भी वो लोग हमें गाइड नहीं कर पाए, तो दोनों सही है। मगर सबसे ज्यादा सही ये वाला है, नीदर ऑफ देम। क्यों ये सबसे ज्यादा सही है? क्योंकि नीदर जो है ना दो को रेफर करता है, यानी यहाँ पर आपको टू पीपल है, तो टू में से सपोज ये टू पीपल है, तो नीदर ऑफ देम अगर हम लिख दे रहे हैं तो हम स्पेसिफिकली इसके बारे में बात कर रहे हैं और इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये भी मुझे गाइड नहीं कर पाया, कहने का मतलब ये भी मुझे हेल्प नहीं कर पाया और ये भी मुझे हेल्प नहीं कर पाया, इसलिए ए ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ओके? और जब भी कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस आता है तो ग्रामेटिकल रूल आपको देखना है, मीनिंग देखनी है, टाइम एंड टेंस भी देखना है, ठीक है? अब सपोज ये वॉज यहाँ पर है, ठीक है, द रूम वॉज वेरी वार्म, तो ये यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, तो रूम वार्म क्यों था, तो उस जो रीजन आएगा वो भी पास्ट का ही होगा। अब देखिए, बिकॉज द AC वॉज सेट टू मॉडरेट टेम्परेचर,
अब इसमें आप देखेंगे कंजंक्शन अलग अलग है, बिकॉज दो सिंस सिंस, तो यहां पर बिकॉज का मतलब क्योंकि, सिंस का मतलब भी क्योंकि, सिंस का मतलब भी क्योंकि, ये सारे कंजंक्शन सेम है मगर ये कंजंक्शन थोड़ा अलग है। दो, दो का मतलब होता है बावजूद, ठीक है। द रूम वॉज वेरी वार्म, इसके बावजूद एसी वॉज सेट टू वेरी कोल्ड। तो अगर आप कंजंक्शन के बेसिस पे नहीं एलिमिनेट कर पा रहे हो तो आप ना यहाँ पर एक और बेसिस पे एलिमिनेट कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन। वो ऑप्शन ये है कि सेट टू वेरी कोल्ड, यहाँ पर टेम्परेचर मिसिंग है, एसी वॉज सेट टू वेरी कोल्ड, इनकम्प्लीट है, टेम्परेचर मिसिंग है, इस वजह से आपका ये ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि मीनिंग पूरी कंप्लीट नहीं आ रही है। अब बिकॉज द एसी वॉज सेट टू मॉडरेट टेम्परेचर, सिंस द एसी वॉज नॉट वेरी वार्म, मतलब मीनिंग भी आप देखो, रूम वार्म था क्योंकि एसी वार्म नहीं था, ये तो मीनिंग ही नहीं क्लियर हो रही है, क्योंकि एसी बहुत लो टेम्परेचर सेटिंग में था। अगर एसी लो टेम्परेचर सेटिंग में होगा तो ऑब्वियसली एसी वार्म फिर, आई मीन सॉरी, फिर रूम वार्म रहेगा ही नहीं ना, फिर रूम तो फिर बहुत ज्यादा ही कोल्ड हो जाएगा, कूल हो जाएगा, कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली बात है मीनिंग के हिसाब से ये दोनों गलत है। आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ए 102 का ए, वी कुड लीव टूडे और वी कुड लीव टूमोरो, प्रेफरिंग वॉट यू वॉन्ट एज यू प्रेफर वन ऑफ द टू, डिपेंडिंग ऑन वॉट यू प्रेफर विच एवर यू प्रेफर। सबसे पहली चीज है प्रेफरिंग कोई वर्ड नहीं होता है, कहने का मतलब ये है प्रेफर एक स्टैटिक वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है मतलब ये एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ ये आई एन जी नहीं लेता है। वैसे बहुत सारे ऐसे वर्ब्स है जो अपने साथ आई एन जी नहीं लेते हैं और अगर आप लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा, जैसे सी का सीन, ये गलत है, लव का लविंग, हेट का हेटिंग, ये सारा गलत है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर आई एन जी नहीं लगाओगे। एज यू प्रेफर वन ऑफ द टू, तो ये ना सेंटेंस सही नहीं बन रहा है, एज यू प्रेफर वन ऑफ द टू, ओके। क्योंकि देखो एज का मतलब होता है, एज के वैसे कई मतलब होते हैं, यहाँ पर एज जब अकेले आता है उसका मतलब बिकॉज होता है। एज इज नॉट वेल, ही कैन नॉट गो टू स्कूल, एज इज नॉट वेल, तो एज का मतलब बिकॉज होता है। मगर एज अब देखिए, अब एज के साथ एज आ जाएगा तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा, सो के साथ एज आ जाएगा तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा, एज वेल एज फिर और मतलब हो जाएगा, तो मल्टीपल मीनिंग होगी। मगर जब एज अकेले आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि बिकॉज, मगर एक और एज का मतलब होता है जैसा, जैसे कीप द थिंग्स एज दे आर, जैसा रखा है वैसे ही इसको रख दो, ठीक है, तो ये भी मतलब होता है। तो दोनों के हिसाब से देखेंगे तो ये बी ऑप्शन एकदम गलत है, प्रेफरिंग गलत है। डिपेंडिंग ऑन वॉट यू प्रेफर, वी कुड लीव टूडे और वी कुड लीव टूमोरो, डिपेंडिंग ऑन वॉट यू प्रेफर, ये भी आप लिख सकते हो, इसमें ज्यादा गलत नहीं लग रहा है, विच एवर यू प्रेफर। तो मुझे ना डी ऑप्शन बेटर लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि विच एवर हम जब लगाते हैं ना, तो विच एक्चुअली विच हम तब लगाते हैं जब आपको कोई ऑप्शन नजर आता है, जैसे बहुत सारे शर्ट्स रखे हैं तो उसमें से कौन सा शर्ट पसंद है, जब हम आपको विकल्प दे देते हैं, तो विकल्प देते हैं तो फिर आप विच यूज कर सकते हो, विच एवर यूज कर सकते हो। तो इसमें सिंस विकल्प दिया गया है, आज हम चल सकते हैं, निकल सकते हैं या हम कल निकल सकते हैं, तो इसमें हमारे पास विकल्प दिया है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हिचएवर यू प्रेफर ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ओके, डी सही रहेगा। 104, मोहन एंड आई कुडंट गेट इनटू द हाउस बिकॉज, ठीक है। अब देखिए नीदर ऑफ अस, यहाँ नीदर, यहाँ बोथ, यहाँ ईदर, यहाँ नीदर, जिसको ग्रामर का रूल पता है ना वो एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ईदर और बोथ के साथ कभी नॉट नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन अपने आप गलत हो गया, कभी भी नहीं आ सकता। अब दूसरी चीज, नीदर दो के लिए आता है तो मोहन एंड आई, ये दो हैं तो नीदर दो के लिए आया, हमने पहले ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही बात की थी कि नीदर या ईदर दो के लिए आता है, बोथ भी दो के लिए आता है मगर नॉट नहीं लगेगा, ओके। और तो ये आपके पास अब दो चॉइस है, ए और डी, नीदर ऑफ अस हैड द कीज, नीदर ऑफ अस डिड हैव द कीज, तो डिड यहाँ पर नहीं लगेगा। डिड जब हम लगाते हैं ना, जैसे मैं बोली डू हैव दिस बुक, अगर मैं बोलती डू हैव दिस बुक तो बोलते यस आई हैव गॉट दिस बुक, अगर आप बोलते यस आई हैव गॉट दिस बुक तो ठीक है आपके पास बुक है, मगर आपको एम्फेसाइज करना है आई डू हैव द बुक, तो जब हम एम्फेसाइज करते हैं तो फिर हम डू डिड या डज लगा सकते हैं, मगर यहाँ पर एम्फेसिस वाली कोई बात नहीं है, नीदर ऑफ डिड हैव, नीदर ऑफ अस डिड हैव द की, कोई एम्फेसिस वाली बात नहीं है, तो आपको ये ऑप्शन सही नहीं है, नीदर ऑफ अस हैड द की।
तो हमारा 104 का सही आंसर ए है. 105 देयर आर मेनी गुड होटल्स यू कैन चूज टू स्टे इन. अब इसमें है ए मेनी ऑफ देम एनी वन ऑफ देम ईदर ऑफ देम ऑल ऑफ देम. अब इसमें साफ साफ बोल रहा है मीनिंग पहले देख लो. अगर सपोज ग्रामर के रूल्स भी नहीं पता कम से कम मीनिंग तो आप लोग देख ही सकते हैं. बहुत सारे अच्छे होटल हैं आप यू कैन चूज टू स्टे इन. आप चूज कर सकते हैं तो ऑब्वियसली जब चूज करेंगे तो हम सारे के सारे होटल्स को तो चूज नहीं करेंगे ना, तो ये गलत. अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ईदर नीदर और बोथ ये हमेशा दो के लिए यूज होता है, कभी दो से ज्यादा के लिए यूज नहीं हो सकता है. और यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में लिखा है मेनी गुड होटल्स यानी दो से ज्यादा है, तो इसीलिए आपका ईदर ऑफ देम भी आपका क्रॉस हो जाएगा. ये सारी चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए. जिसके पास भी जिसने प्रॉपर कोचिंग नहीं लिए ग्रामर की, जिसने भी प्रॉपर कोचिंग लिए ग्रामर की उनको पता होगा, मगर जिसने भी नहीं लिए उनको नोट डाउन कर लेना चाहिए सारी चीजें. अब ये दोनों हमारा एलिमिनेट हो गया. अब ये दो है देयर आर मेनी गुड होटल्स यू कैन चूज टू स्टे इन मेनी ऑफ देम. एक तो ऑल ऑफ देम में स्टे नहीं करेंगे और बहुत सारे होटल्स में भी नहीं स्टे करेंगे, एक बार में एक ही होटल में स्टे करेंगे, तो ये भी ऑप्शन गया. तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, बी 105 का बी. नेक्स्ट द बस सर्विस इज वेरी गुड देयर इज अ बस. अगर बोल रहे हैं बस सर्विस इज वेरी गुड और यहाँ पर एक्चुअली बस के आने की फ्रिक्वेंसी बताई जा रही है कि बस कितनी देर में आता है फ्रिक्वेंसी, तो ऑब्वियसली बिफोर 10 मिनट्स नहीं होगा और इन 10 मिनट्स 10 मिनट के अंदर आती है, ठीक है. मगर जब भी हम फ्रिक्वेंसी बताते हैं तो हम इस तरह से यूज करते हैं कि हर 10 मिनट में आती है बस, तब तो हम बोलेंगे ना बस सर्विस गुड है. आफ्टर 10 मिनट्स नहीं बोलेंगे, एवरी 10 मिनट्स बोलेंगे. इसका साफ मतलब है कि एक बस आई उसके बाद वो गई, उसके बाद 10 मिनट बाद दूसरी बस आएगी, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा. ये इसमें कुछ ग्रामर का चक्कर नहीं है, सारा मीनिंग वाला है. We live near a busy airport. The planes fly. अब प्लेन फ्लाई करता है तो प्लेन हमारे घर के नजदीक नहीं फ्लाई करेगा. और बाय एक प्रपोजिशन है और बाय का मतलब भी नजदीक. ही स्टैंडिंग बाय द डोर. ही स्टैंडिंग बाय द डोर इसका मतलब क्या है, स्टैंडिंग नियर द डोर, ठीक है. समबडी इज एट द डोर, तो एट द डोर का मतलब भी एट का मतलब भी यहाँ पर नजदीक. तो बाय का मतलब नजदीक भी होता है, ठीक है. बाय का मतलब डू, एक ही प्रेपोजिशन का मल्टीपल मीनिंग होता है. तो यहाँ पर बाय और हाउस भी नहीं होगा. अराउंड क्या घर के चारों तरफ प्लेन घूमेगी क्या, फ्लाई करेगी, ये भी गलत. तो ओवर घर के ऊपर फ्लाई करेगी. 108 डैन वॉज वेरी क्वाइट ही डिडंट से अ वर्ड. देखिए इसमें है ना आपका एंटायर अगर लगेगा ना तो द लगना बहुत जरूरी है, तो ये गलत. अब द लग गया तो फिर आप ऑल नहीं लगा सकते हैं, ऑल द एंटायर इवनिंग नहीं होगा, तो ये भी गलत. ऑल द इवनिंग द एंटायर इवनिंग, ऑल द इवनिंग देखिए ऑल द इवनिंग हम नहीं बोलते, या तो थ्रू आउट द इवनिंग बोले है ना कि पूरा इवनिंग, तो ऑल इवनिंग सही नहीं है, द एंटायर इवनिंग होगा सही आंसर. 108 का बी. आई डोंट लाइक स्टोरीज. अब देखो डिफरेंट देखो सारे ऑप्शन है, विच विच और यहाँ दैट और यहाँ पर विच. आई मीन ऑप्शन में कंजंक्शन अलग अलग है, विच विच दैट विच. दूसरा ये प्रेजेंट है डोंट, और ये फैक्चुअल बात बोल रहा है कि मुझे स्टोरीज पसंद नहीं है जो, राइट, फैक्चुअल बात है. तो अगर ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट का फैक्ट बता रहा है तो ऑब्वियसली पास्ट इसमें नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है. अब यहाँ पर कैन क्यों होगा, अगर आप लोगों को मोडायस के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी है कि कैन एबिलिटी के लिए दिखाया जाता है या पॉसिबिलिटी के लिए दिखाया जाता है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं दिखा रहा है. मुझे ऐसी स्टोरीज नहीं पसंद है जो, तो इसमें पॉसिबिलिटी कहाँ हुई या इसमें एबिलिटी कहाँ आई, तो ये भी गया. अब आप दो ऑप्शन में है, दैट हैव हैप्पी एंडिंग, सॉरी दैट हैव अनहैप्पी एंडिंग्स, विच आर अनहैप्पी एंडिंग्स. तो अब देखिए कुछ सोचिए, एक तो दो डिफरेंस है इसमें, पहला दैट और विच का, दूसरा डिफरेंस हैव और आर का. तो आपको ये अगर आपको दैट और विच का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जो कि मैं आपको बता रही हूं, यदि किसी वर्ड को रेफर करना है तो आप दैट यूज करोगे, मगर कोई एक प्रॉपर सेंटेंस को रेफर करना है तब आप विच यूज करोगे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू आर वेरी ऑनेस्ट विच इज वेल अप्रिशिएटेड बाय अस. You are very honest, which is well appreciated by us. इसका मतलब है, what is well appreciated? You are very honest. That means your honesty is well appreciated by us, right? तो
यहाँ पर विच क्यों लग रहा है? क्योंकि यू आर वेरी ऑनेस्ट को पूरा रेफर किया जा रहा है. यू आर वेरी ऑनेस्ट विच इज वेल अप्रिशिएटेड बाय अस. गॉट इट? तो विच आपके पूरे के पूरे सेंटेंस को रेफर करता है, मगर दैट एक वर्ड को रेफर करता है. तो जिसको भी पता है वो तुरंत इसको मार्क कर देगा सही, मगर जिसको नहीं पता है दैट और विच के बारे में डेफिनेशन, उसका यूसेज के बारे में नहीं पता है, तो वो उनको वर्ब देखना है. ठीक है, ऐसी स्टोरीज जिनका हैप्पी अनहैप्पी एंडिंग्स है, ऐसी स्टोरी जो अब यहाँ पर अगर आर लिख देंगे तो इसकी हिंदी हो जाएगी ऐसी स्टोरी जो कि अनहैप्पी एंडिंग्स है. मतलब ऐसी स्टोरी जिसका अनहैप्पी एंडिंग है ना, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ऐसी स्टोरी जिसका जो अनहैप्पी एंडिंग है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे. अगर हम आर लगाते तो वो आइडेंटिटी दिखाता है. ठीक है, तो अगर सपोज मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, स्टोरीज आर अनहैप्पी एंडिंग, स्टोरीज हैव अनहैप्पी एंडिंग्स. खुद से सोचो, मैंने ये कंजंक्शन हटा दिया और मैंने स्टोरीज के साथ इसको कनेक्ट कर दिया. बताओ कौन सा सही, स्टोरीज आर अनहैप्पी एंडिंग, स्टोरीज हैव अनहैप्पी एंडिंग्स, कौन सा सही है? स्टोरीज हैव अनहैप्पी एंडिंग्स, आपका सही सी होगा. ठीक है, नॉट एवरीथिंग दैट हैपेंड वॉज माई फॉल्ट, नॉट एवरीथिंग विच हैपन वॉज माई फॉल्ट. अब देखिए, प्रेजेंट और पास्ट, यानी हुआ जो भी चीज हुई वो प्रेजेंट में हुई. ठीक है, और फॉल्ट मेरा होगा पास्ट में, यानी घटना घटेगी प्रेजेंट में और फॉल्ट पास्ट में होगा. नहीं, घटना घटेगी प्रेजेंट में और फॉल्ट भी प्रेजेंट में होगा, या तो घटना घटेगी पास्ट में, घटना घटने के बाद फॉल्ट पता चलता है. तो हो सकता है घटना पास्ट में घटी हो और फॉल्ट पता चल रहा हो प्रेजेंट में, ऐसे हो सकता है. यानी यहाँ पर पास्ट हो सकता है, यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि घटना प्रेजेंट में घटेगी और फॉल्ट है ना पास्ट में ही पता चल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना. तो ये टाइम कॉम्बो ही सही नहीं है, पहला रीजन ये ऑप्शन गलत होने का. दूसरा रीजन ये है कि एवरीथिंग जब आ जाता है ना तो आपका सिर्फ दैट ही लगता है कंजंक्शन, और ये भी रूल अगर किसी को पता है तो वो आराम से ये ऑप्शंस को सही मार्क कर देंगे ए ऑप्शन को. नहीं पता है तो फिर मुश्किल है, आप टाइम कॉम्बो देख सकते हो. अगर हमें इस ऑप्शन से हम सही ऑप्शन तक नहीं पहुंच सकते हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट से हम सही ऑप्शन तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो फिर हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, टाइम का कॉन्सेप्ट देखते हैं, टाइम कॉम्बो देखते हैं. ठीक है, अच्छा अब देखो, Not everything what happened was my fault. यहाँ पे what conjunction लग ही नहीं सकता है, वो आप लोगों को खुद भी पता चल रहा होगा. Whatever happened was my fault. Not everything whatever. Anyways, everything आ जाता है तो आपका that ही लगता है, तो ये भी option सही नहीं है. Not everything that happened was my fault. 110 का A option सही होगा. मैं कल पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो अपलोड करूंगी. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स.